प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सब को प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह। मेरे प्रिय, आइए हम इस सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु की हजूरी में चलकर, प्रभु की उपस्थिति में चलकर, प्रभु के पांव पवित्र चरणों के निकट घुटने टेक प्रभु के वचनों को पढ़े और प्रभु से बातें करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु से बातें करेंगे, यानी कि प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे, तो प्रभु आपको सच में आज के पूरे रात सुख की नींद देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप पूरे रात सुकून भरी नींद के साथ सो पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेचैनी घबराहट नहीं होगा, डर भय का आत्मा आपको नहीं सताएगा, दुष्ट शैतान आपको नहीं छुएगा, मौत आपको नहीं छुएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगा, कोई बखेरा खड़ा नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु के वचन को पढ़े। नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय के उसका 23 पद के वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर बेपते नहीं पड़ने को। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है इसमें, जो परमेश्वर का भय मानता है उसका आयु लंबी होता है। फिर लिखा है कि वो सुखी से रहता है। फिर लिखा है कि उसके ऊपर कोई बीपतियां नहीं पड़ेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सच में अगर प्रभु के प्रति आपके अंदर भय डर बना रहेगा तो आप पे दीर्घायु से तृप्त होंगे, आप सुखी से रहेंगे, आपके ऊपर कोई बीपतियां नहीं पड़ेगा, आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु के सब आज्ञाओं का पालन कीजिए। जब आप प्रभु के सब आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर प्रभु के प्रति भय है। अगर आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रभु की आज्ञा को सुनकर नहीं मानेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु के प्रति आपके अंदर भय नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब प्रभु के प्रति आपके अंदर भय नहीं रहेगा तो आप सुखी से नहीं रह सकते, आपकी आयु लंबी नहीं हो सकती, आप दिक्कत परेशानी संकट दुर्घटना से बच नहीं सकते, कोई विद्या से बच नहीं सकते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु से डरिए। हालेलुया, प्रभु आपको संभालेगा। प्रभु का भय मानिए, प्रभु के सामने थरथराइए, प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ को धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह करती से, प्रभु दया करती से, प्रभु कृपा करती से, प्रभु से इस सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु आपके हजूरी में आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके पांव पवित्र चरण के निकट आए हैं प्रभु, और उन लोगों को भी लाते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु सबों के जीवन में तू सुख दे प्रभु, चैन दे, शांति दे प्रभु जी, सबों के आयु को तू लंबी कर दे, सबों को संभाल, सबों को अपने आंखों की पुतली की नहीं प्रभु सुरक्षित रख, ताकि उनके ऊपर कोई विपत्ति ना पड़ने पाए, वो
वो लोग हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से, खतरों से, महामारी से, कुटुर गुरु मनुष्य से, दुष्ट शैतान से, तंत्र की शक्तियों से, जादू टोना से, बुरी नजरों से बचे रहे, खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय प्रभु की कौन सी आज्ञा को मानना है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं तो निगमन की पुस्तक 20 अध्याय के वचन को पढ़िए, उसमें प्रभु की आज्ञा लिखा है और उसी आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है, उसका पालन करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। इसमें क्या लिखा है? इसमें परमेश्वर कहते हैं, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप प्रभु के मार्गों पर चलते रहेंगे, प्रभु के अधीन रहेंगे, प्रभु की इच्छा में चलेंगे, किसी प्राय देवता के पीछे नहीं भागेंगे, किसी मूर्ति के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, मूर्ति के सामने रखा हुआ किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे और प्रसादी नहीं खाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आपके अंदर प्रभु का भय है। हालेलुया, प्रभु के प्रति डर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, आप प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, प्रभु की पहली आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, इसमें 10 आज्ञा है। दूसरा आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना। तीसरा आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समरा रखना। पांचवा आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इससे क्या होगा? आपकी आयु लंबी होगी। हालेलुया, आपके जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। छठवा आज्ञा है, तू खून न करना। सातवा आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इससे घृणा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आठवा आज्ञा है, तू चोरी न करना। नौवा आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और लास्ट जो 10वां आज्ञा है, वो इस प्रकार से लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब आप इन सब आज्ञाओं को मानेंगे, इन सब आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आप प्रभु से डरते हैं, आप प्रभु से भय खाते हैं, प्रभु के सामने थरथराते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा, आपके आयु को जरूर लंबी करेगा, आपको जरूर सुख देगा, शांति देगा, आपके जीवन में चैन देगा। वो जरूर आपका रक्षा रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, आपके परिवारों का ख्याल रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आप उसके साथ अपने संगति को बनाए रखिए, उसके सब आज्ञाओं को मानिए, उसका पालन कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, प्रभु कृपा कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, प्रभु तरस खाइए, प्रभु एक एक जन का शुद्धि लीजिए, प्रभु जी सबों को लंबी आयु दीजिए, सबों के जीवन में सुख दीजिए, चैन दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, सफलता दीजिए, सबों को हर एक प्रकार की विपत्तियों से बचाइए, बुराई से, पाप से बचाइए, दुख दर्द पीड़ा से, रोग बीमारी से, शैतानी अटैक से, बुरी आत्मा से, अंधकार की शक्तियों से, श्राप से बचाइए खुदा।
धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु जी जो तेरे सब आज्ञाओं को मानते हैं, तेरे सब आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु तू अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य कर, खुदा धन्यवाद करते हैं। तू अपने वचन के अनुसार महान पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत का काम कर, बड़े बड़े कार्य कर, खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने दी वचन 19 अध्याय की उसका 23 पद के अनुसार प्रभु सबों को आशीष दीजिए जो तेरे आज्ञाओं को मानते, जो तेरे आज्ञाओं का पालन करते। हाँ प्रभु तो उनको दीर्घायु से तृप्त कीजिए, तो उनको सुख दीजिए, उनको हर विपत्तियों से बचाइए, खुदा धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते। प्रभु अनुग्रह कर, सुबह से लेकर शाम तक संभालने वाले परमेश्वर आगे भी संभालिए प्रभु जी, देखभाल कीजिए, रक्षा रखवाले कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु। बीमारों को चंगा कीजिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, सबों को आशीष दीजिए, सबों को प्रभु जी सुख की नींद दीजिए प्रभु, चैन शांति की नींद दीजिए प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए, पूरे दिन संभालने वाले परमेश्वर पूरे रात भी संभालिए, डरावने पूरे गंदे सपनों से बचाइए, बेचैनी के प्रयास से प्रभु छुटकारा दीजिए, डर की आत्मा से, पाप से, श्राप से, सब प्रकार की बुराई से प्रभु जी भैर भाव से छुटकारा दीजिए, खुदा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु इस सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु जितने जन जितने लोग आपके हजूरी में आपकी उपस्थिति में प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों के जीवन में सुख की नींद जोड़, खुदा धन्यवाद करते प्रभु, सब पूरे रात स्वर्ग के पिता सुकून भरे नींद के साथ सोने पर सहायता मदद कर, खुदा धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, खुदा धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, जो रात को सो नहीं पाते स्वर्ग के पिता, तू उनको भी सुख की नींद दे, खुदा धन्यवाद करते हैं। एक एक बच्चा को, एक एक नौजवान को, बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते, संभालिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा करते इसे, प्रभु दया करते इसे, प्रभु धन्यवाद करते हैं, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, अच्छी मीठी नींद प्रभु, हर एक हानि से विपत्तियों से बचा, खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिनके बिजनेस में नुकसान हुआ है, लाभ होने के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं, जिनका जॉब प्रभु खत्म हो गया, किसी कारण चला गया है प्रभु, खत्म हो गया प्रभु, फिर से प्रभु अच्छी जॉब के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं, सहायता मदद कीजिए प्रभु। जिनको प्रभु काम से निकाल दिया गया है प्रभु जी, प्रभु फिर से प्रभु अच्छी काम मिलने के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु, अनुग्रह करते इसे। जिनको पैसा की ज़रूरत है प्रभु पाए कीजिए प्रभु जी, प्रभु इस भाई को, इस बहन को जो कुछ की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, इनके जीवन में सब कुछ पूरा करके उपाय करके दीजिए खुदा, ताकि ये लोग प्रभु तुझ में आगे की ओर बढ़ते जाए, खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, आपका आदर और सम्मान कर देते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह करते हैं इसे, प्रभु दया करते इसे, खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा करते इसे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। अंधकार भरे जीवन में अपनी ज्योति को उदय कीजिए प्रभु, ताकि उनका अंधकार भरा जीवन उज्याला में बदल जाए, प्रकाश में, रोशनी में बदल जाए, खुदा धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते, हालेलुया प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। सबों को प्रभु लंबी आयु दीजिए, सबों के जीवन में सुख चैन शांति को जोड़िए प्रभु,
खुशियाँ आनंद समृद्धि को जोड़िए, खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते पढ़ाई करते हैं। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, अनुग्रह दें और कृपा कर दीजिए प्रभु जी। एक एक बच्चा को, एक एक नौजवान को, एक एक बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते, सबों को प्रभु अच्छी मीठी नींद दीजिए, सबों को सुकून भरे नींद दीजिए। खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते पढ़ाई करते हैं। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए इस भाई का, इस बहन का, इस बच्चा नौजवान बड़े बुजुर्ग का प्रार्थना विषय जो भी हो प्रभु, प्रार्थना निवेदन जो भी हो प्रभु, आपकी हजूरी में रख दे, दो तरह आमीन में दे प्रभु, ताकि ये लोग प्रभु जी आगे कृपा पढ़ने पर, स्वर्गीय पिता और तेरे चीज़ें कार करने पर धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते पढ़ाई करते हैं। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा करते खुदा, प्रभुता करते खुदा, धन्यवाद करते प्रार्थना विनती आपकी, उद्धार करता ना मुँह में मांगते और कहते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 और आमीन।